हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी टीम को बर्बाद कर सकते हैं। सबसे बड़ा रंग चेज कर दिया भाई, तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम। यूं ही मस्ती में आज संग जरा नाच भला, बड़े मियां बड़े मियां बड़े मियां। लेवल सबके निकलेंगे, T20 इतिहास का लेवल निकाल दिया भैंस की आंख। अपना झटका चल गया, अबे कभी तो चलेगा मैंने कहा। लेकिन बहरहाल यार मजा आया मैच देखने का भाई। RCB ने चेजिंग कॉज में 262 बनाए थे, वो हाईएस्ट तब 13,000 से ज्यादा T20 हो चुके हैं दुनिया में। इन्होंने जीतने की कॉज में 262 कर दिए। बजा दिया पकड़ के घंटा। आज पंजाब ने IPL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हुआ है। आज IPL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हुआ है। बापू का बाप हुआ आज का मैच। और PSL का भी घंटा बजा दिया पकड़ के कि ये क्वालिटी बैटिंग होती है IPL में। वाह वाह वाह, हाईएस्ट एवर चेज इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ जो हमने अभी अभी नजारे लिए और जो कि अभी अभी हो गया। T20 क्रिकेट 15-16-17 जितने भी साल हो गए या 20-18 व्हाटएवर, इतने सालों में इतना बड़ा टोटल आज तक चेज नहीं हुआ। तो जनाब ये डंडा पकड़े और मेरे सर पे मारे। IPL 2024 ने तबाही मचा के रखी हुई है और क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा के रखी हुई है। 261 रन चेज हो गया T20 में, 261 रन चेज हो गया। इससे पहले कभी T20 की तारीख में 261 चेज नहीं हुआ। मेरे ख्याल है IPL का रिकॉर्ड बन गया आज तो, 261 पे 261 रन चेज हो गए, कोई सोचेगा भी नहीं। और ऐसा लग रहा था कि शायद वन साइड मैच हो, जिस वे में कलकत्ता ने बैटिंग करी थी तो लगता तो यही था कि माय गॉड रिकॉर्ड चेज इन IPL। यार ये IPL क्या हो रहा है यार, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी जा रही है यार। 262 रन T20 में चेज हो रहे हैं, ODI का स्कोर चेज हो रहा है, 8 बॉल बचती है और 7 पंजाब की, ये विकेट भी बच रही है यार। पंजाब किंग्स यार, पंजाबी भाईनी निकल गए हैं और बजा के रख दिया। IPL 2024 के दिलचस्प मुकाबलों के अंदर पंजाब किंग और KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान अमेजिंग मैच खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता नाइट राइडर ने अपनी तरफ से बहुत जान मारी, 261 रन का बहुत बड़ा पहाड़ जितना टारगेट दे दिया। क्योंकि T20 फॉर्मेट के अंदर 200 से ऊपर जैसे टारगेट आता है तो टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है, बिलखसूस 261 का टारगेट तो टोटली नामुमकिन लगता है। लेकिन सामने पंजाब किंग थी और पंजाब किंग के जॉनी बेयरस्टो ग्रीस पर डट गए। ग्रीस पर डटने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा तो टीम को मैच जितवाने के बाद जाऊंगा, और वही हुआ। उन्होंने बल्ले से लाठीचार्ज शुरू कर दिया, ऐसा धोया 48 बॉल्स पर शानदार 108 रन की सेंचुरी बनाई। शानदार सेंचुरी, बहुत फास्ट टच ली। उसके अलावा दो मजीद खिलाड़ियों की 50, जिसकी वजह से 20 ओवर का टारगेट जो नमून के लगा था उसको 18वें ओवर में बासानी चेज कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया हैरानी का आधार किया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इसके बरस IPL के अलावा हमारी पाकिस्तान की लोकल लीग है, पाकिस्तान की सीरीज है, इसके अंदर 170-180 का टारगेट भी चेज नहीं हो रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन अगर सीरीज को छोड़े जाए पाकिस्तान की लोकल लीग PSL की बात करें तो PSL के अंदर भी 180-200 बड़ी हद को 190 टारगेट भी चेज करना मुश्किल है, जबकि इसके बरक्स IPL के अंदर 207-280 का टारगेट चेज करना इतना आसान क्यों है। उसकी बड़ी वजह है IPL की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्योंकि IPL की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, IPL का हाइब्रिड मॉडल, IPL की पिच इतनी फास्ट है कि वहां पर ग्राउंड में खेलने वाले को और ग्राउंड के जो खेलते हुए खिलाड़ी को मैच देखने वाले को बड़ा मजा आता है। मजीद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि IPL के अंदर इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं कि जिसके बाद ICC परेशान हो गया है कि इतने बड़े टोटल जो चेज IPL के अंदर हो रहे हैं ये तो आज तक ना कभी तारीख ICC के किसी भी इवेंट में हुए और ना ही आने वाले दौर में होने का इम्कान है। क्योंकि 20 ओवर में 200-250 स्कोर चेज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बहुत गैर मामूली बात है। गलती से जो है वो पंजाब किंग्स वालों ने इसको ले तो लिया है, लेकिन ये जो है वो गलती नहीं कर रहा है भाई। और ये जो टीम सामने आ रही है ना, सरदार उसकी बैंड बजाते जा रहा है और क्या मारा है भाई। आप देखें 28 बॉले 68 रन 2 चौके और 8 छक्के, 242 का स्ट्राइक रेट,
यार हद हो गई है वैसे। और आप देखें उसके बाद प्रभ सिमरन 20 बॉल है 54 रन। जब आप जो इतना बड़ा चेस करते हैं ना, आपको स्टार्ट बड़ा अच्छा चाहिए होता है। जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं, और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दे। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हम इनको भी दो दो तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है। वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। आज से 2 साल पहले तक हम 200 करते थे, हम कहते थे अब तो जीत गए, अब तो जीत कंफर्म हो गई है। लेकिन नहीं, जब से ये T10 आई है, सिर्फ T20 को एडवांस करके रख दिया, 250 भी कम लगता है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जाएगा सनराइजर हैदराबाद और केकेआर की टीम को। सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट ने जो बल्लेबाजी की है, 138 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, 11वें ओवर में जाके पहली विकेट गिरती है। ये चीज यार, ये क्वालिटी ऑफ IPL यार, ये IPL तो सुपर से भी डुपर किस्म के लेवल का हो रहा है यार। ये तो वर्ल्ड की बेस्ट से भी बेस्ट लीग का मैच हो रहा है यार। उधर पाकिस्तान के हम मैच देख रहे हैं, बच्चे हमारी बजाई जा रहे हैं, हमारे किंग और हमारे ब्रेडमैन और हमारे घंटे सारे फेल हो रहे हैं, और उधर IPL में इंडिया के युवा खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं यार, बैरिस्टो ने तो आग लगाई यार। आप देखो बैरिस्टो की ये बारी होती है, घंटे के फैंस ये देखो 50 बॉल 40 बॉल 45 बॉल 100 इस तरह की इंपैक्टफुल बारियां एडन गार्डन में, इस तरह के स्टेज पे इतना बड़ा क्राउड ऐसे खेली जाती है, हम लोग तो बुंगियां मारते रहते हैं। घंटा बजा दिया पकड़ के, आओ ना मेरे पास निकल के, हम तो इतनी फुदड़ कौम है, हम तो इतने फुदड़ लोग हैं, हम तो भाई न्यूजीलैंड की सी टीम से पिल रहे हैं, हम तो न्यूजीलैंड की सी टीम, हमें आगे जाओ हमारे साथ, जाओ यकम पट्टी करके जा रही है और हम मुंह उठा के बैठे हुए हैं। हमारा पकड़ के न्यूजीलैंड ने घंटा बजाया हुआ है, हम लोग क्या बात करेंगे यार, हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है।